ठीक है ठीक है, कहा है बॉय टू जवाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्नेहा और पारस के बीच में जब से दूरियां आई है तब से स्नेहा को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। जी हाँ, स्नेहा की बात की जाए तो स्नेहा इन दिनों बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आती है और हर वक्त रोते हुए नजर आती है अपने बेटे को मिस करते हुए। यही नहीं बल्कि स्नेहा की बात की जाए तो आए दिन स्नेहा सोशल मीडिया पे अपने बेटे की वीडियोज एंड पिक्चर शेयर करती रहती है। स्नेहा का कहना है कि वो अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा मिस करती है और अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। स्नेहा की बात की जाए तो स्नेहा का कहना है कि कसूर मेरा है, पारस को चाहिए कि मुझे सजा देना ही कि मेरे बेटे को, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है और उसे मेरी बहुत सख्त जरूरत थी। स्नेहा का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और पारस ठकराल ने मुझे मेरा बेटा ना लौटा दिया तो शायद मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगी क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। तो एक माँ की फरियाद सुनने के बाद आपका क्या कहना है कि स्नेहा को उसका बेटा वापस कर देना चाहिए या नहीं, इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मजीद ऐसी अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब।